हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल फ्लाई फैंटेसी। आज हम वेज हक्का नूडल्स बनाएंगे। ये चिंग सीक्रेट का है, 30 रुपीज़ वाला पैकेट है और इसे 2 जन आराम से खा सकते हैं। सबसे पहले मैंने पानी बॉईल करके लिया है और उसमें ऑयल ऐड किया था 1 स्पून, ताकि नूडल्स जो है वो बिल्कुल भी चिपके नहीं। 5 मिनट्स बॉईल करके लेंगे हम इसे, और इसमें मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ टेस्ट के लिए। सिर्फ 5 मिनट से बॉईल करना है, ध्यान रखिए ओवर कुक नहीं करना है, वरना नूडल्स चिपक जाएगा और बिल्कुल भी अच्छी टेस्ट नहीं आएगी। तो आप देख सकते हो नूडल्स एकदम खुले खुले हैं, क्योंकि हमने इसमें ऑयल डाला था। ऑयल डालना नहीं भूलना है इसमें। 5 मिनट्स बाद गैस ऑफ करके हम जो पानी है सारा ड्रेन करके लेंगे, और ठंडे पानी से एक बार इसे वॉश करके एक प्लेट में फैला के रख देंगे, ताकि ये ठंडे हो जाए और बिल्कुल भी चिपके नहीं। ये देखिए, ऐसे फैला के रखना है, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं, आप ये देख सकते हो। इसके बाद एक कढ़ाई में या फिर नॉनस्टिक पैन में आपको नूडल्स बनाने हैं। अगर आप नॉनस्टिक पैन नहीं यूज़ कर रहे हो, तो आपको ऑयल जो है ना वो ऐसे सारे साइड से फैला के डालना है। मैं यहाँ पे 4 to 5 स्पून ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, ऐसे पूरी तरह से फैलाना है हमें। अगर आप बाहर चाइनीज रेस्टोरेंट्स में भी देखोगे ना, तो फिर ये जो ऑयल है ना, ऐसे फैला के यूज करते हैं, ताकि जो नूडल्स है ना वो कहीं चिपके नहीं। तो सबसे पहले ऐसे ऑयल सब जगह फैला के लेके हम ऑयल गरम करके लेंगे, और इसमें फिर जो सारे इंग्रेडिएंट्स है वो डालने ले लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ग्रीन चिली यूज कर रही हूँ, ये बारीक काट के ली है मैंने, ताकि खाते टाइम मुंह में नहीं आए। इसके बाद हम यहाँ पे वेजेस लेंगे। सारे वेजेस जो है वो लंबे काटने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ओनियन लिए है, कांदा, और इसे अच्छे से हम ऑयल में फ्राई करके लेंगे। इसके बाद कैप्सिकम और कैरेट्स, ये जो वेजिटेबल्स है इन्हें भी ओवर कुक नहीं करना है। मीडियम टू स्लो फ्लेम पे हमें इसे बस फ्राई करते रहना है। और लास्ट में कैबेज, क्योंकि कैबेज बहुत जल्दी पक जाता है। बिल्कुल भी वेजिटेबल्स को ओवरकुक नहीं करना है, इसका जो क्रंचीनेस है वो वैसे ही रहने देना, बट जो कच्चापन होता है कैप्सिकम में वो जाना चाहिए, वो अच्छा नहीं लगता है खाते टाइम। इसके बाद यहाँ पे मैंने स्प्रिंग अनियंस डाले हैं इसमें। ये जो स्प्रिंग अनियन है थोड़े सूख गए हैं, आप फ्रेश स्प्रिंग अनियन यूज कीजिए, उसका भी बहुत टेस्ट अच्छा आता है इसमें। इसके बाद हम इसमें जो सॉल्ट एंड सॉसेज है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सॉल्ट ऐड करूँ। सॉल्ट हमें थोड़ा ऐड करना है, बिकॉज हमने नूडल्स में ऑलरेडी सॉल्ट डाला था। यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर भी ऐड किया है, नूडल्स में ऑलरेडी सॉल्ट डाला था, और जो हम सॉसेज यूज़ करेंगे उसमें भी सॉल्ट होगा, तो सॉल्ट थोड़ा डालना है। यहाँ पे मैंने सॉल्ट डाला है, ब्लैक पेपर, उसके बाद रेड चिली सॉस एंड सोया सॉस। यहाँ पे अगर आपके पास ग्रीन चिली सॉस हो तो आप यूज़ कर सकते हो। फिर आपको जो स्टार्टिंग में हमने चिलीज डाले थे वो नहीं डालने हैं। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ग्रीन चिलीज यूज़ किए, इसके लिए मैं यहाँ पे ग्रीन चिली सॉस नहीं यूज़ कर रही हूँ, वरना ये थोड़ा स्पाइसी हो जाएगा। अच्छे से सारे सॉसेज हमें मिक्स करके लेने हैं। ये देखिए, वेजिटेबल्स बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं हुए हैं, और इसमें हम नूडल्स ऐड करेंगे। ये देखिए, नूडल्स बिल्कुल भी चिपके नहीं है, क्योंकि हमने इसमें ऑयल डाला था और इसे फैला के रख दिया था। अब सारे जो नूडल्स है वो एकदम अच्छे से हमें मिक्स करके लेने। यहाँ पे टेस्ट के लिए मैं ये चिंग सीक्रेट का नूडल्स मसाला यूज़ कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप यूज़ कीजिए, थोड़ा सा यूज़ करना है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका भी। और एक हाथ में ऐसे ये जो चिमटा है ये लेना है, और एक हाथ में स्पून लेना है हमें, और अच्छे से इन्हें मिक्स करना है ऐसे दोनों हाथों से, वरना टूटने के चांसेस होते हैं। बहुत हल्के हाथों से इन्हें मिक्स करेंगे, और ऊपर से जो हमारा स्प्रिंग अनियन है वो स्प्रिंकल करेंगे, और ये नूडल्स रेडी है। ये